Hello friends and welcome to another vlog. Today we are going to Wembley. वेम्बली हमारे घर से ऑलमोस्ट एक घंटा दूर है, तो हमें बहुत अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है इतनी दूर जाने के लिए. 3 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, बट कुछ भी करेंगे फॉर इंडियन फूड. पंजाबी व्लॉगिंग करने लगे हैं तो ये देखते ना, वो भी नहीं देखेंगे. तो की कहते ने इन्नी भीड़ सी इतने स्टेशन से कि पुछो ना तुसी. तो आप की कारण आप दूजी ट्रेन लेनी है. हूँ ट्रेन नू की कहते हैं पंजाबी च फैमिली एंड इंडिया के लिए, मतलब इंडियन जगह है वो, काफ़ी फेमस है इंडियन चीज़ों के लिए. एंड इंडियन एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो रहा है, लग रहा है कि हम फैमिली जा रहे हैं. तो गुजामटर पे हमारी ट्रेन रुक गई है. बहुत टाइम से सोच रही थी कि वेम्बली का एक व्लॉग बनाते हैं. वेम्बली जो कि बहुत ही एशियन मेजॉरिटी एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे गुजरातीज रहते हैं, काफ़ी इंडियंस रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं, हमारा खाना पीना, हमारा स्ट्रीट फूड, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है. एंड इट गिव्स यू अ फील लाइक यू आर बैक इन इंडिया. तो हमने सोचा जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. On these streets, it was so amazing to walk because आस पास हमें लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, गुजराती में बात करते हुए, हिंदी में बात करते हुए, जो कि बहुत रेयर होता है यहाँ पे. एंड यहाँ पर हमें सबसे खुशी तो हुई, पहले तो पतंजलि का स्टोर देख के, पतंजलि वाला घी ले लिया, एक दो चीज़ें हनी हींग जो भी ख़त्म हो रही थी वो ले ली. एंड उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पाउडर के रेट काफ़ी कम है, लाइक हाफ से भी ज़्यादा कम है अगर मैं कंपेयर करूँ तो. तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना हेयर कट या कुछ करा लेते हैं, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी बड़े हो रहे थे. पूरा हेयर कट हुआ है ये 9 pounds में हुआ है, विच इज़ वेरी गुड कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड्स. क्योंकि यहाँ पे कैनरी वॉफ में स्पेशली जो आईब्रो है वो अराउंड 10 pounds की होती है, जो यहाँ पे मेरी 4 pounds की हुई. अपर लिप 1.5 pounds की होती है यहाँ पे, जो जिसके लिए मैंने 8 pounds कैनरी वॉफ में दिए थे. सो हेयर कट भी काफ़ी अच्छा हो गया है, आईब्रो अपर लिप भी हो गई है अच्छी खासी. सो आई एम रियली हैप्पी. रेकड़ी ये काफ़ी फेमस है, पानीपुरी,
चाट वगैरह के लिए. दे हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड टू पास्ता, नूडल्स. नूडल्स मैंने अगले दिन के लिए पैक कराए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे. तो बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी थी. ये एक टॉप सीक्रेट है, अगर आपको कभी पता करना है कि आप इंडिया से कहीं बाहर हो कि वहाँ पे एक अच्छा ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलता है या नहीं, वहाँ पे देखिए अगर एक्चुअली में इंडियंस देसी लोग वहाँ बैठ के उसे खा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है. सो ओवरऑल दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ घूम के. आई विश कि आप लोगों को भी देख के मज़ा आया होगा. अगर आया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ज़रूर प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आपको पता चले जब भी नेक्स्ट टाइम मैं एक नया व्लॉग डालूँ. तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. आगे क्या रखा.